लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ थ्योरी के साथ पढ़ चुके थे। आज का वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमको सबसे पहले देखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पावर भी कहा जाता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, इसका ये हो गया पावर, ये जो हमारा होता है इसके हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, और ये जो इसका जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और यानी तो इसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो आप इसको पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल होता है, उस रूल को हम देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा रूल ये होता है, यदि किसी भी नंबर का पावर क्या हो एम, वही सेम नंबर का पावर क्या हो एन, डेट मीन्स यदि किसी दो नंबर का बेस सेम और वो नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो इस कंडीशन में बेस वही रहता है और पावर या एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, एड हो जाता है। जस्ट लाइक सेम, किसी दो नंबर का पावर मेरा क्या हो सेम हो, सॉरी दो नंबर का बेस मेरा क्या हो सेम हो, पावर डिफरेंट और ये क्या हो डिवाइड में हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि बेस वही रहता है और पावर जो होता है दोनों क्या होता है माइनस में आ जाता है। इसी का तीसरा रूल हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि किसी भी नंबर का समथिंग पावर हो और पावर का भी पावर कुछ हो, तो इस कंडीशन में पावर का पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां तक हम लोग तीन रूल देखे, अब चौथा रूल देखने जा रहे हैं, यदि किसी भी चीज का पावर जीरो हो तो इसका मतलब क्या होगा वन, ठीक है। और एक चीज देखते हैं, यदि किसी भी चीज का पावर क्या हो माइनस वन हो तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा पलट जाएगा, पलटने का मतलब नीचे कुछ नहीं तो वन, और ये पलटेगा तो क्या होगा वन बाय ए हो जाएगा, और माइनस क्यू वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद एक रूल होता है, यदि कोई एक का पावर क्या है एम, ठीक है, और कोई दूसरा संख्या उसका पावर भी क्या है एम, डैट मीन्स दो नंबर हो मल्टीप्लाई में और दोनों का पावर सेम हो, तो इस कंडीशन में दोनों नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और पावर क्या होगा सेम का सेम रह जाएगा। ये पांच, सॉरी ये टोटल छह जो होता है, इस फॉर्मूले को क्या करना ध्यान रखना। सबसे पहला मान लीजिए कि एग्जांपल देखते, मान लीजिए टू है इसका पावर क्या है फाइव, और फिर से टू का पावर क्या है सेम, तो दोनों का देख रहे हैं यहाँ भी बेस टू है यहाँ भी बेस क्या है टू है। जब बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो तो पावर के बारे में बोले तो वो क्या होता है जुड़ जाता, तो यहाँ पावर क्या होगा 5 + 7 मिलके क्या होगा 2 का पावर 12 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कोई एक नंबर है 10 इसका पावर है 3 और सेम नंबर है 10 और इसका पावर है 2, तो देख रहे हैं यहाँ दोनों का बेस क्या है सेम है तो, और डिवाइड में, तो इस कंडीशन में क्या बोले थे नंबर तो वही रहेगा जो बेस में है और पावर क्या होगा मेरा सबस्ट्रैक हो जाएगा, डेट मीन्स क्या होगा 10 का पावर 1। उसी तरह मान लीजिए कोई नंबर है 5, ठीक है, इसका पावर क्या है 3 और इसका ही पावर क्या है 2, तो डेट मीन्स देख रहे हैं पावर का पावर है, तो पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और 3 2 क्या हो जाएगा 6। मान लीजिए एक को एक नंबर दे दिया 5 का पावर दे दिया -1, क्योंकि देख रहे किसी नंबर का पावर माइनस हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं पलट देते, तो नीचे कुछ नहीं तो वन, जब पलटेंगे तो क्या होगा 1/5 का पावर क्या होगा 1, और किसी चीज़ का पावर 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 हटा दीजिए या लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए एक नंबर है 6 इसका पावर है 5, दूसरा नंबर है 7 इसका ही पावर है 5, बोले थे जब पावर सेम और मल्टीप्लाई में हो तो नीचे वाला नंबर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर वही का वही रहेगा, तो इस कंडीशन में 7 6 = 42 और पावर क्या होगा 5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग जितना भी रूल होता है, और a का पावर 0 डेट मीन्स 1 का पावर 0 हो तो इसका मतलब भी 1 होगा, 100 का पावर 0 हो तो इसका मतलब भी 1 होगा, 200 का पावर 0 हो तो इसका मतलब भी 1 होगा, डेट मीन्स कोई भी नंबर, ठीक है, उसका पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक देख लिया, अब हम लोग आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज के बढ़ने से पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके जो हम लिखा है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है फाइंड, सवाल दे रहा है इसको सॉल्व करने के लिए दे रहा है, तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना। तो ध्यान रखना जब भी इस तरह का पावर के रूप में, तो नीचे जो नंबर है सबसे पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, डेट मीन्स एलसीएम निकालते हैं। तो पहले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो क्या दे रहा है 64 का पावर क्या दे रहा है 1/2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, 64 का एलसीएम निकालेंगे। तो देख रहे हैं 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 32, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे 4 और फिर 2 से लगाएंगे 2। डेट मीन 62 बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। डेट मीन इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6। इसलिए 2 का पावर 6 लिखे क्योंकि 2 यहाँ क्या है 6 टाइम्स है। अब क्या करना, इस वैल्यू को 64 की जगह लिखना, तो डेट मीन्स क्या होगा 2 का पावर 6, इसका होल पावर क्या होगा 1/2। तो देख रहे हैं ये पावर का पावर, तो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, और 2 से क्या होगा 3 बार में एक कट जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब क्या हो गया 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जो 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यही हमारा क्या होगा आंसर देगा। तो इस तरह से देखिए सवाल क्या था, बहुत ही आसान था, बस करना कुछ नहीं, जब भी पावर के रूप में डेट मीन्स पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले उस रूप में, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम को हम लोग इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद देखेंगे किस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। यहाँ देखिए पावर का पावर था, इसलिए हम जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में देखिए कट रहा था, देखिए 2 का पावर 3, डेट मीन्स 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 2 का पावर क्या दे रहा है 1/5। फिर से देख रहे हैं बेस में 32 है, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग 32 का फैक्टर निकालेंगे। जब आप 32 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 2 16 2 से 8 बार में, और फिर 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में। डैट मीन्स 32 बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, डैट मीन्स क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5। इसको जो हम लोग को रफ में करना है, यहाँ तो बस आपको हमको दिखाना है इसलिए कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है लोग इसको हम लोग क्या करते हैं रफ में करते हैं, रफ पेज में करेंगे, ठीक है ना, चूंकि हमको दिखाना है इसलिए आपको कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है रफ है मेरा। अब देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो यहाँ क्या होगा 2 का पावर 5, और इसका क्या है पावर क्या 1/5। फिर देख रहे हैं पावर का पावर, तो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये 5 कट जाएगा, क्या बचा 1, और 2 का पावर 1 मतलब क्या होता है 2 होता है। तो इस तरह देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन किए तो क्या आया 2 आया। अब तीसरा सवाल इसका सॉल्व कर रहे हैं, चूंकि रफ है इसको लिखना नहीं, चूंकि हमको समझाना था इसलिए समझाने के लिए आप लोग को क्या किए थे हम बताए थे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 1 2 5, डेट मीन्स 125 का पावर दे रहा है 1/3। अब फिर से 125 का हमको क्या करना होगा एलसीएम निकालना, ये क्या होगा 2 से लगेगा नहीं, 5 से लगाते हैं, 5 2 10, 5 5 25, और 5 से फिर लगे कितना 5। तो देख रहे हैं 125 बराबर क्या आया 5 × 5 × 5, डेट मीन्स इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3। ये ध्यान रखना है नंबर जितना बार रिपीट करेगा उसका उतना पावर होता है, तो डेट मीन्स इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इसका होल पावर देख रहे हैं क्या पहले से 1/3 है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए पावर का पावर जानते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये 3 कट जाएगा, डेट मीन्स 5 का पावर क्या बचा 1, और 5 का पावर 1 मतलब क्या होता है 5 होता है। तो इस तरह से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सॉल्व हो गया, करना कुछ नहीं है, जो मेरा बेस में रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर देख रहे हैं पावर का पावर था, और जानते हैं पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इसलिए पावर के पावर को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद कटा तो ठीक है, और जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो यहाँ भी करना नहीं, बस वही करना जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं 9, और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर से 3 से लगाएंगे क्या होगा 1, डेट मीन्स 9 इक्वल क्या आ रहा है 3 × 3, 3 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, डेट मीन्स 9 के जगह क्या सकते हैं 3 का पावर 2, पहले से पावर है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और ऊपर क्या है 3/2। अब चूंकि इसका काम नहीं तो इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, इसका काम बस एलसीएम निकालने तक है। अब देखिए पावर का पावर जानते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते ये 2 से 2 कट जाएगा, डेट मीन्स क्या बच गया 3 का पावर 3,
और 3 का पावर 3 मतलब क्या हो गया, 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 27। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है 32 का पावर 2 बाई 5। तो पिछले क्वेश्चन में हम 32 का निकाल लेते तो 2 का पावर 5 आया था। फिर से करके देख लेते हैं, 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे फिर 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। अब देख रहे हैं कितना 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, और डेट मीन्स क्या हुआ 2 का पावर 5। ये 25 नहीं है, 2 का पावर 5 है। पावर 5 मतलब ऊपर पावर 5, डेट मीन्स 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसका होल पावर कितना दे रहा है 2 बाई 5। फिर से देख रहे हैं पावर का पावर, और पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। फिर से देख रहे हैं ये 5 5 कर गया, डेट मीन्स क्या बच गया 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 मतलब क्या होगा 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और यही 4 जो है हमारा क्या देगा आंसर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 16। तो 16 का निकाल के देखते हैं क्या आएगा। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, और फिर 2 से लगा लेंगे 1। डैट मीन्स 16 इक्वल आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डैट मीन्स 2 4 टाइम है, इसलिए क्या होगा 2 का पावर 4। डैट मीन्स 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और चूंकि पहले से पावर कितना है 3 बाई 4, और पावर का पावर जानते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4 और ये 4 क्या होगा कट जाएगा, डैट मीन्स 2 का पावर क्या बच गया 3, और 2 का पावर 3 मतलब क्या होगा 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 को 2 से करेंगे 4, और 4 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 8, और यही 8 जो है हमारा क्या देगा आंसर देगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर देख रहे हैं 125 का 3 से तो लगेगा नहीं, ठीक है 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे 5 2 10, 5 5 45, और 5 से लगाएंगे फिर से 5 बार में, 5 से फिर लगाएंगे 1 बार में। डैट मीन्स 125 बराबर क्या आया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 3 टाइम, इसलिए 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है इसके जगह क्या लिखेंगे 5 का पावर 3, और पहले से देख रहे हैं माइनस में दे रहा है 1 बाई 3, और हम लोग जानते हैं पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का पावर 3 और इसका होल पावर दे रहा है -1/3, तो ये 3 और ये 3 क्या होगा कट जाएगा। डैट मीन्स यहाँ बच गया 5 का पावर -1। हम बोले थे किसी भी नंबर का यदि पावर क्या हो माइनस में हो तो नंबर को पलट देते, पलटने का मतलब नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, और पलटेंगे तो क्या होगा पलट देंगे तो पलट जाएंगे तो क्या होगा 1/5 का पावर क्या होगा 1, क्योंकि माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो पावर 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। डैट मीन्स 1 लिखने का मतलब क्या हो गया वही हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं सारे सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का हमारा क्या है लास्ट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ रूल पढ़े थे। देखिए डॉट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ भी देख रहे हैं बेस क्या है 2, यहाँ भी बेस क्या है 2 है। कुछ देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, यदि किसी भी पावर क्या हो a का पावर m हो और a का पावर n हो, डेट मीन्स बेस क्या हो और नंबर मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, तो पावर के बारे में बोले थे पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट हो तो यहाँ भी पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 2/3 और प्लस क्या होगा 1/5। तो 2 का तो 2 ही रहेगा, ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 3 जै 15, 3 का 5 टाइम है तो 2 का 5 टाइम क्या होगा 10, 5 का 3 टाइम है तो 1 का 3 टाइम्स क्या होगा 3, डेट मीन्स 2 का पावर 10 और 3 क्या होगा 13/15, यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो डैट मीन्स बस हमें यहाँ क्या करना था, जो हम 6 फार्मूला पढ़े थे उसमें से कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई था इसलिए पावर जोड़े, लेकिन यहाँ पावर यदि यह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रहता तो डिवाइड के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यदि यहाँ डिवाइड रहेगा तो ये प्लस से क्या होगा माइनस हो जाए, तो यहाँ प्लस जहाँ जहाँ किए वहाँ क्या करते माइनस कर देते। अब बढ़ते हैं इसके और, इसके और देख रहे हैं क्या है इसका क्या है। डैट मीन्स जब भी कोई नंबर क्या हो जैसे 1/3 का पावर यदि 2 है तो इसका मतलब हुआ 1 का पावर भी 2 है और 3 का पावर भी क्या है 2 है, तो यही कंसेप्ट का यहाँ फॉलो करेंगे। डेट मीन्स 1 का पावर भी 7 है और नीचे क्या है 3 का पावर 3, तो उसका पावर भी क्या होगा 7,
और वन का पावर कुछ भी हो तो ध्यान रखना है, वन का पावर यदि सेवन टाइम्स हो, वन का पावर सेवन हो तो भी क्या होगा, वन ही होगा। वन का पावर हंड्रेड हो तो भी क्या होगा, वन होगा, क्योंकि वन को आप सेवन टाइम मल्टीप्लाई कीजिए या हंड्रेड टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, वन हमेशा क्या देगा, वन ही देगा। ठीक है, तो वन का पावर देख रहे हैं सेवन है, तो डेट मीन्स ये क्या होगा, वन होगा। अब नीचे देखिए पावर का पावर आ गया, हम जानते हैं पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वन बाय क्या होगा, थ्री का पावर क्या होगा, ट्वेंटी वन। और चूंकि ये बट्टे के फॉर्म में, तो इसको पलट दीजिए, और पलटने का मतलब क्या है, पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ध्यान रखेंगे पावर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए नीचे को ऊपर करने के लिए हमने इसको पलट दी, और पलटने का नियम जानते हैं क्या, नीचे यदि थ्री है ऊपर क्या वन, तो पलटेगा तो क्या होगा, ये थ्री बाई वन होगा। तो नीचे वन नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पावर प्लस में था तो वो क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम लोग सेम फॉर्मूला पढ़े थे, यदि ए का पावर क्या है, एम, और डिवाइड में ए का पावर क्या है, एम, डेट मीन्स दोनों का बेस सेम और वो क्या, और डिवाइड में तो पावर क्या होता है, घटता है। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे करना, यहाँ भी देख रहे हैं एलेवन, यहाँ भी देख रहे हैं एलेवन, और दोनों के बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो एलेवन का तो एलेवन ही रहेगा, पावर क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा। तो एलेवन का तो एलेवन रहने देते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, फोर, टू का टू टाइम, इसलिए टू वन जाए टू, फोर का वन, डेट मीन्स वन, एलेवन का पावर क्या होगा, टू में से वन जाएगा वन, और नीचे फोर, डेट मीन्स यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट भी हमारे एक फॉर्मूले के आधार पे, हम लोग लास्ट में एक फॉर्मूला देखे थे, यदि किसी भी पावर का, किसी भी नंबर का पावर m है और किसी दूसरे नंबर का भी पावर क्या है, m है, डेट मीन्स जब पावर सेम रहता है तो नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रहता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोनों का पावर सेम है, यहाँ भी वन बाई टू पावर में, यहाँ भी वन बाई टू पावर में, तो डेट मीन्स पावर क्या होगा, वही रहेगा, और जो दो नंबर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेवन एट जा क्या होता है, 56 है, इसका पावर क्या है, वन बाई टू। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर वन, जिसका नाम नंबर सिस्टम था, वो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हैं वो कोशिश करेंगे, हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया रहता है, और नहीं दिया रहे तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं, जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन्हें क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, अब आगे हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो में कि दूसरा चैप्टर जो एक्सपोनेंट है उसमें क्या क्या पढ़ना, वो अगले चैप्टर में हम लोग, सॉरी एक्सपोनेंट नहीं, पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। तो पॉलीनोमियल के बारे में अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें।